मंच पे गला बैठल है, एक दिन में 16 को प्रोग्राम है, तो आप लोग तभी ना कह रहे कि शांत रहिए, मेरे को जोर लगाना पड़ेगा ना। ध्यान से बात सुनिए, छूलेगा आदमी तब ना छूलेगा। मंच पे हमारे अभिभावक और सिवान सदस्य राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी, मंच पे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के सीपीआई सीपीएम माले के हमारे नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता, समय का अभाव है इसलिए हमको ही डायरेक्ट बोलना पड़ रहा है। एक हेलीकॉप्टर हम लेके घूम रहे अकेले, नीतीश जी मोदी जी मेरे पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़ रहे, और हमको ठेठ भी आ रही है ना, सब पर भारी। और जनता हमारे साथ है कि नहीं है, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए। इसलिए देखो, सुनो 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 भैया, सुनो, 16 सभा है आज, ये अभी छठा सभा, इसके बाद 10 सभा और करना, ठंडा का समय है, जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा में हेलीकॉप्टर उठता नहीं, तो हमको कम समय है, जिन साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला, नेताओं को, उन सबसे हम माफी चाहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिए कि 10 तारीख को परिणाम आने वाला है, लेकिन सिवान की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि सिवान का परिणाम आज हमको बता दी, दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए, आवाज को जिताना है ना, यही तो हमारे अभिभावक हैं, हमको बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो अवध बिहारी जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आप लोगों के सुख दुख में रहे, हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन भाई लोग ऐसा ऐसा पार्टी सब लोग उम्मीदवार सब लोग खड़ा कर दिया, हम एक बात कहना चाहते हैं कि दतवन के चक्कर में, दातुन के चक्कर में वृक्ष मत कबार दीजिए। बुझाता तो हाथ उठा के ना बोलो, बुझाता एक रहना है, एकजुट रहना है। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं, अरे विदाई तय है कि नहीं है, और गरीब का राज को ला रहे, किसान नौजवान मजदूर के राज को हम लोग बनाएंगे। ये लड़ाई कोनो नीतीश जी और तेजस्वी के नहीं थे, कोनो लालू जी और मोदी जी के नहीं थे, ये लड़ाई बस सरकार और जनता के दी, और ये लड़ाई में जनता के जीत होने जा रहा है, और हम जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए 15 साल में एक कारखाना लगा क्या, कितने नौजवान बेरा बेरोजगार है, हाथ उठा के जरा बता। नीतीश जी ना बेरोजगारी दूर किए, ना गरीबी दूर किए, ना भुखमरी दूर किए, ना पलायन रोके, ना कारखाना लगाए, ना बाढ़ पीड़ितों से पूछने आते हैं, मजदूर से मुंह फेर लेते हैं। महंगाई देखा, प्याज के दाम शतक मारता, कोनो चिंता पा सरकार के, सरकार है जाओगे मांगने पूछो तो मार लाठी मार लाठी, यही तो हमें कर रहा है। अभी मुंगेर की घटना देखिए, हत्या हो गई क्या, कितना भी निंदा की जाए वो कम है, हम तो नहीं चाहते, लेकिन वहां पुलिस में कौन है, जदयू के बड़का भारी नेता है, टैक्स वसूलने वाले नेता, उन्हीं की बेटी है, नाम हम नहीं,
लेकिन आप लोग बताइए, जब थाना ब्लॉक आप लोग जाते हैं, थाना और ब्लॉक जाते हैं, तो बिना चढ़ावे के कोई काम होला? मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए, उसमें भी आपको 15-15 सौ रुपया देना पड़ता है। ये स्थिति बनी हुई है। हम एक मौका आप लोगों से मांगना है, एक मौका आप लोग दीजिए। अच्छा, एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए। और हमने वादा किया है, नवरात्रि में संकल्प उठाया है कलश की स्थापना करते वक्त, कि पहला मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कलम, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। तो आप लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? और बिहार हमेशा देश को दिशा दिशा देते आया है। इस बार भी बता देगा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, इस बार बिहार की जनता मुद्दों पे वोट देगी, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट देने का काम करेगी। अभी आज पहला प्रथम का चरण का फेस मतदान चल रहा है। हर जगह से एकदम हवा हो गया है, एकदम पूरी तरीके से नीतीश जी का विधायक तय हो गया। डबल इंजन के हर जगह अपने लोग जीत रहा है। तो इसलिए चुभिएगा मत, आप लोग चुकिएगा मत, एक साथ गोलबंद होकर के। खाली अहमद चौधरी जी नहीं ना चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी तो चुनाव लड़ रहा है। 15 साल तक आप लोग विपक्ष में रहे, क्या मिला? सरकार ने क्या किया आपके लिए? इसलिए आप सब गोलबंद होकर के एक एक वोट देखिए। मैं सोच के हर जात के भाई को साथ लेकर के चलेंगे, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़े हो या पिछड़े हो, दलित महादलित हो या अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव किसी भी भाई का हाथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि पकड़ के साथ लेकर के चलेगा साथ। और यहाँ जदयू के नेता उमेश सिंह कुशवाहा जी आज समर्थन देने आए हैं सभा में। उमेश कुशवाहा जी पास में बना कर लो कुशवाहा जी शादी। अच्छा अच्छा रखा है। तो एक एक वोट सुगंधी पेपर मिल, शुगर मिल, जूट मिल सब बंद कर दिए नीतीश कुमार जी। आप लोग जिताइए ना, सरकार बनाई, हम लोग सब खोल देंगे, चिंता मत करा। एकजुट रहने के बाद, एकजुट रह करके यही लालटेन निशान है, इसी पर वोट देने के बाद चुपचाप लालटेन निशान, चुपचाप चुपचाप। तो विजय के माला पहना दी, दोनों हाथ उठा के बताओ, पहना दी।